रूप प्रत्यय शुक्र शुक्र से अभिभवो न रूपस्य वाचन। कहते हैं रूप की प्रवृत्ति में केवल शुक्र का ही अभिभव होता है, न चाहे न तत्रूप प्रत्यय शुक्र से अभिभवो न रूपस्य रूप में रूप की प्रवृत्ति में रूप में जो प्रवृत्ति होती है उससे शुक्र का ही अभिभव होता है, रूप का नहीं होता। इस बात चम इतने बात चम ऐसा है कि शंख में जो प्रीतता प्रतीत हो रही है तो ये प्रीतता शंख की तो नहीं है, तो चक्षु की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में रूप की हानि नहीं हो रही है, उसमें जो शुक्र है प्रीतता से उसका अभिभव मात्र हो रहा है। वहाँ चाक्षुषत तो उसी का है, ये प्रश्न है उसका। उसका ये कहना है कि निरूप नम में चक्षु की प्रवृत्ति रूप के पुरस्कार से ही होती है, लेकिन अपना हो या दूसरे का हो पीता शंका रक्त स्वटिका यहाँ पर अन्य रूप द्वारा भी चक्षु की प्रवृत्ति देखी जा रही है। बोले वहाँ जो रूप में प्रवृत्ति है वो शुक्र से भी अभिभव वो शुक्रता का ही अभिभव है, वो रूप का नहीं है। रूप सामान्य का वहाँ पर अपना आप नहीं हो रहा है। तथापि उद्भूताभिभूत रूप स्पर्शस्य सुवर्णस्य अचाक्षुषत्व प्रसंगात्। तो बोले कि ऐसा है नहीं है, उद्भूत और अद्भुत रूप स्पर्श सुवर्णस्य अचाक्षुषत्व प्रसंगात्। कहते हैं कि उद्भूत और अभिभूत ये रूप जो है स्वर्ण जो है उसका, हाँ स्वर्ण का जो पीत रूप है वो उद्भूत है और स्पर्श जो है ये असल में स्वर्ण को तेजस मानते हैं, तो तेजस से माने अग्नि का कार्य है। तो हम स्वर्ण को छूते हैं तो वो हम जलते क्यों नहीं, हमको वहाँ गर्मी क्यों नहीं मालूम पड़ती। तो उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ का जो स्पर्श है वो अभिभूत है और रूप जो है अनभिभूत है, इसलिए रूप का प्रतीति होती है और स्पर्श की प्रतीति नहीं होती। ये हो गया, तो वहाँ पर चाक्षुषत्व क्यों नहीं होता, सुवर्ण से अचाक्षुषत्व क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो अभिभूत स्पर्श है और उद्भूत रूप स्पर्श से, तो रूप वहाँ स्पर्श उद्भूत है स्पर्श अभिभूत है। तो ऐसी स्थिति में सुवर्ण का अचाक्षुषत्व प्रसंग हो जाएगा। तथा आलोकादि रूपो हेतु नवस तद्वारा चाक्षुष प्रवृत्ति, इसलिए ये दृष्टांत कैसे बना, कैसे जगह वहाँ उद्भूत रूप है तो चाक्षुष क्यों है।
यदि अन्य रूपेण भवता चाचरित्वं नान्यक्रियत कथम तर्क संग्रह में तो ये बताया है कि स्वर्ण जो है उसमें जो रूप है वो तेजस है और भार जो है वो पार्थिव है और स्पर्श जो है वो वायु का है, तो स्पर्श जो है वो अभिभूत है, रूप उसका उद्भूत है, रूप जब उसका उद्भूत है तो वो भास्कर शुक्र है। हाँ ठीक है, पर तेज में पीत नहीं होता। ठीक है, तो वो चाक्षुष कैसे है? बात तथा भी उद्भूताभूत स्पर्श रूप से अचाक्षुषत्व प्रसंगात तदस्त आलोकादि रूपोपहित नभति आकार आलोकादि रूप से उपहित आलोकादि रूप से उपहित जो आकाश है तद्वारा भी चक्षु प्रवृत्त भी होता है। तथा च आलोकादि रूपोपहित आलोकादि रूपोपहित जो आकाश है उसमें उसके द्वारा भी हाँ उपाधि है, वो आलोक उपाधि है, उपाधि जो है वो आकाश से भिन्न है। आलोकादि रूपोपहित नभस तद्वारा चक्षु प्रवृत्त विरोधा अप्रत्यक्ष आकाशे की भाषण तो रूपानुपधान रूपानुपधान कालाभिप्राय परमते नवा अप्रत्यक्ष विमाने आकाशे बारह तलमणिता अध्यक्षंती ये भाष्यकार ने कहा। तो कहते हैं ये जो भाष्य है रूप से अनुपधान काल के अभिप्राय से, रूप की उपाधि जिस समय न हो उस समय या परमत से कहा अचान रूप द्वारा भी रूपवत्ते अनुरूप के द्वारा रूपवान में भी चक्षु की प्रवृत्ति नहीं होती, इस पर उन्होंने नहीं कहा। चक्षु प्रवृत्ति दूरवाद उद्भूत रूपम चक्षु प्रवृत्ति यहाँ तक है न अनुरूप द्वारा भी रूपवत्ते चक्षु प्रवृत्ति ही।